अगला क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 33। एक पिग्गी बैंक के अंदर, पिग्गी बैंक मतलब समझते ना, बच्चों को खेलने के लिए एक अच्छा ऐसा बैंक बन जाता है, मिलता है, या फिर आप जो गांव में देखते हो ना, जिसे हम लोग इस तरह मिट्टी का बना हुआ बर्तन, जिसे हम आम भाषा में भुड़की भी कहते हैं, वैसा ही कुछ जिसमें बच्चे पैसा इकट्ठा करके रखते हैं। तो एक पिग्गी बैंक है, उसके अंदर 100 50 पैसे के सिक्के, 50 1 रुपए के सिक्के, 20 2 रुपए के सिक्के और 10 5 रुपए के सिक्के हैं। चलिए 50 पैसे की, पहले लिख लेता हूं मैं, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 100 है आपकी, है ना। चलिए और क्या है, 1 रुपए के सिक्के की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 है, ठीक है। 2 रुपए के, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 है, ठीक है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 5 रुपए के 10 सिक्के, 10 5 रुपए के सिक्के, ठीक है। यदि बैंक को उलटने पर सिक्कों का निकालने की सम संभावी हो, यानी कि जो बैंक को उल्टेंगे, यानी कहना मतलब उस जो बर्तन है जिसमें पैसे को हम लोग इकट्ठा करके रख रहे हैं, तो जो आपका पिग्गी बैंक है इसको उलटेंगे तो इसमें से सिक्का गिरेगा, जहां से छेद होगा वहां से सिक्का गिरेगा, तो वो जो सिक्का गिर रहा है उसकी, वो जो उसकी प्रायिकता जो है, यहाँ कह रहा है कि सम संभावी हो, तो हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। 50 पैसे का एक सिक्का निकलेगा, 5 रुपए का एक सिक्का नहीं निकलेगा। तो पहले लिख लेते हैं कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, तो जोड़ लेंगे ना सभी को। चलिए देख लेते हैं, 100 है, फिर 50 है, फिर 20 है और फिर 10 है, 180 टोटल सिक्के हैं, समझ गए ना। फॉर्मूला लिख लेंगे, घटना ई की प्रायिकता जो होगी लिखेंगे, घटना ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, यही ना फॉर्मूला होता है। चलिए तो हमें पहले में निकालना है 50 पैसे के एक सिक्का हो, 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का एक सिक्का प्राप्त हो, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं आपके? 100 है ना, 100 बटा में 180, 1 0 1 0 कटेगा और फिर काट देंगे 5 2 से, 5 बार में यहाँ 9 बार में, 5 बटा 9 आ जाएगा। दूसरे में कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि क्या कह रहा है, 5 रुपए का सिक्का नहीं हो, 5 रुपए का एक सिक्का नहीं हो, मतलब 5 वाला छोड़ के कोई भी सिक्का हो सकता है, लिख देंगे 5 रुपए का सिक्का ना हो, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो टोटल अगर मैं 5 रुपए के सिक्कों को छोड़ दूं, इसको छोड़ दूं, तो बचे हुए कितने सिक्के हो जाएंगे, 170 और बटा में आपका 180, ये ना हो जाएगा, यहां से मैं काट देता हूं, 17/18 यहां से आंसर आ जाएगा, समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए